नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी एसटी श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के विरोध में किया गया है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे कि बुधवार को क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया। इसके तहत पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया, जिससे भारत में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो और रोष प्रकट किया जा सके। हालांकि यहां सवाल यह है कि आखिर भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है और यह किसकी ओर से ऐसा ऐलान किया गया है। ऐसे में इस संबंध में जानने के लिए यह पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भारत बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया है। को बता दें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ लिया गया है, जिसमें कोर्ट की ओर से एससी एसटी श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है और पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया। साथ ही भारत बंद का समर्थन राजनीतिक पार्टी बसपा की ओर से भी किया गया। भारत बंद पर किन सुविधाओं का असर पड़ेगा इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और कुछ निजी दफ्तरों पर इसका असर देखा जा सकता है। भारत बंद पर सभी प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेगी। इस कड़ी में सभी अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं शुरू रहेगी। वहीं अभी तक सरकारी बैंकों के बंद करने को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में सभी सरकारी बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे। भारत बंद के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रहेगा, क्योंकि जगह संवेदनशील तौर पर देखी जाती है। ऐसे में अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही यहां होने वाले किसी भी धरने प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।